Hey guys, welcome back to my channel Makeup Forever. मैं हूँ शर्मिली and today I'm gonna share my daily foundation routine कि कैसे मैं foundation apply करती हूँ for this healthy looking skin like finish. And if you really wanna know कि how to apply your liquid foundation in a perfect way so that you can achieve this healthy looking skin, then please keep on watching. And today I'm going to use this Lakme foundation, which is Lakme Invisible Finish Foundation with SPF 8. And this is in the shade 02. इसका price जो है 250 या 270 ऐसा कुछ है जो I think हमेशा आपको नायका पे सेल पे 200 या फिर अंडर 200 मिल जाएगा. And I just so love this foundation कि मैं इसे हर रोज यू नो डेली बेसिस पे इसे यूज करती हूँ एंड मैं इसे ओकेजनल भी यूज करती हूँ क्योंकि ये जस्ट परफेक्ट कवरेज देता है मेरी स्किन को, लाइक एक स्किन लाइक फिनिश बट फिर भी इवन टोन देता है पूरी स्किन को. बट येस, बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉल दिस फ्री एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड माई फेसबुक. एंड मैं जो प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ इस वीडियो पे, मैं उसका जो लिंक है परचेज लिंक, इफ यू वांट टू बाय देम देन प्लीज गो एंड चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं वहां पे दे दूंगी. एंड या गाइज, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर बिफोर अप्लाइंग योर फाउंडेशन. सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ जॉनसन बेबी मॉइस्चराइजर. यू कैन यूज एनी ऑफ योर चॉइस. एंड इफ यू हैव ड्राई स्किन टाइप देन यूज अ हैवी मॉइस्चराइजर, थिक मॉइस्चराइजर. एंड इफ यू हैव ऑयली स्किन टाइप देन यूज अ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. बट डोंट एवर स्किप दिस स्टेप गाइज, बिकॉज ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा तभी आपका फाउंडेशन जाके अच्छा फिनिश देगा. उसके बाद आपको इसे 5 मिनट तक रखना है फेस पे, रखे पूरे से अब्जॉर्ब हो सके. एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर. सो प्राइमर हम क्यों लगाते हैं गाइस, क्योंकि जो ओपन पोर्स होते हैं हमारा वो ताकि अच्छी तरह से क्लोज हो सके, एक इवन टेक्सचर, एक स्मूथ टेक्सचर मिल सके फाउंडेशन को, ताकि फाउंडेशन जो अच्छी तरह से ब्लेंड हो सके. एंड प्राइमर हमारे जो स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है केमिकल, हार्मफुल केमिकल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं. इसके बाद फाउंडेशन केमिकल्स होता ही है, हमको अगर रेगुलर बेसिस पे आपको फाउंडेशन अप्लाई करना होता है तो वो डैमेज करता है ये स्किन को, तो इसलिए प्रोटेक्ट भी करता है हमारा जो स्किन को जो है. एंड इसलिए मतलब टी जोन पे ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि उस वहाँ पे ज़्यादा मेरा जो फेस है ऑयली होने लगता है. उसके बाद मैं पूरी फेस पे स्प्रेड करूँगी. उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी स्पंज के हेल्प से. तो स्पंज को मैं क्या करूँगी, एक बाउल लेके उसमें पानी लेके इसको डिप करूँगी एंड अच्छी तरह से इसे सोक करूँगी पानी में. एंड सोक करने के बाद जो एक्सेस वाटर है उसे रिमूव कर दूंगी, निकाल दूंगी स्वीज करके. एंड ताकि यू नो कोई भी एक्स्ट्रा वाटर जो इसमें ना रहे. एंड उसके बाद ये कुछ फ्लफियर पिक हो जाएगा, थोड़ा सा स्पंजी सॉफ्ट हो जाएगा. एंड इट्स रेडी टू यूज़ नाउ. उसके बाद मैं उसका जो इसको स्पैचुला है उसके हेल्प से अपनी पूरी फेस पे एंड नेक पे फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी. एंड देन मैं इसे डैब डैब करके ब्लेंड करूँगी. आप देख रहे हो मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे रही हूँ एंड मैं स्वाइप नहीं कर रही हूँ. मैं ऑलवेज डैब डैब मोशन पे फाउंडेशन को ब्लेंड करती हूँ. एंड दिस इज़ द रूल गाइस, आपको डैब डैब मोशन पे ही आपका जो फाउंडेशन है उसे ब्लेंड करना है, तभी वो फाउंडेशन जाके अच्छी तरह से ब्लेंड हो पाएगा स्किन पे. एंड आप हमेशा जो है नोज़ का कॉर्नर एरिया एंड माउथ का कॉर्नर एरिया को स्किप कर देते हो, तो वो कभी भी ना करें. हर एक जगह पे फेस का जो है फाउंडेशन अप्लाई करें. एंड आप अगर इसके बाद कंसीलर अप्लाई करने वाले हो अपने आईज पे, देन आपको अपने आईज पे फाउंडेशन अप्लाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप नहीं करने वाले कंसीलर अप्लाई, तो आप अपने आईज के नीचे एंड ऊपर अच्छी तरह से फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो. सो मैं आज कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं अपनी पूरी फेस पे बस फाउंडेशन ही अप्लाई करूँगी. एंड आप देख रहे हो मैं बहुत ही टाइम लेके डैब डैब मोशन पे मैं अपना फेस का जो जॉ लाइन है, नेक है, ईयर है, मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हमारा नेक एंड फेस का जो कलर है वो सेम लगे, कोई भी डिफरेंट ना लगे. एंड जब आप अपने फोरहेड को ब्लेंड करोगे फाउंडेशन फोरहेड में, तब आप ध्यान रखें कि आपका जो हेयर लाइन है आप वहाँ तक अपना फाउंडेशन जो है लेके जाओ. एंड वहाँ पे भी आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लो डैब डैब मोशन पे, ताकि अपना हेयर लाइन एंड जो फेस का कलर है वो बिल्कुल भी अलग ना लगे. सो ऑलवेज अप्लाई फाउंडेशन टू योर हेयर लाइन एंड योर ईयर ऑल्सो. ये जो फाउंडेशन है ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है, तो आपको इसे ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ये बहुत ही इजीली जल्दी ब्लेंड हो जाएगा अपने स्पंज के साथ या फिर आप ब्रश यूज़ कर रहे हो ब्रश के साथ. सो ये वाला फाउंडेशन जो है स्पंज से ज़्यादा आपको जो है
अच्छा लुक अच्छा फिनिश देता है स्पंज से, इसलिए मैं आज इस स्पंज से अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद से फिट का जो है फिट मी का जो कॉम्पैक्ट है मेबलिन का, उसको लेके एक फ्लफी ब्रश लेके इसको मैं सेट करूँगी अपने पूरे फाउंडेशन को। सबसे पहले मैं अपने अंडर आई एरिया एंड अपने आईज के ऊपर सेट करूँगी डैप टैप मोशन पे, एंड क्योंकि मेरा जो ये एरिया है बहुत जल्दी वो क्रीज होने लगता है, तो इसके लिए आपको अपने अंडर आई एरिया आईज के ऊपर एंड अपना स्माइल लाइन है वहाँ पे पहले सेट करना चाहिए सबसे पहले। एंड देन मैं इसे पूरे फेस पे भी इसे सेट कर लूँगी, एंड मैं इसे स्वाइप नहीं करूँगी, बहुत ही हल्के हाथ से मैं डैप डैप करके सेट करूँगी। एंड इफ़ यू आर यूजिंग अ पफ तो आप इसे बिल्कुल भी स्वाइप ना करें। सो दिस इज माई फाइनल लुक गाइज, आफ्टर अप्लाइंग सम मस्कारा एंड आईलाइनर। एंड मैं लिपस्टिक जो पहनी हूँ मैं जो वो है नायका का सो मैट इन द शेड डर्टी पिच। सो या गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक। So yeah guys, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed watching this, and if you didn't, please don't forget to give this video a big thumbs up and share this video with your friends and family, and I'll see you guys in my next video. Till then, bye, take care, and I love you all.